ये अगर किसी को हो तो सर क्लियर है दोबारा बता, सबको प्राइमरी एक्शन। सर दोबारा बता दीजिए। अब इतना एजी बता दिए, दोबारा बता दें, लियो निशान दोबारा समझ लो। सर हाँ एक बात पूछनी प्लीज सर। थी कि आपने बताया कि ये जो वाइटल फोर्स है वो इनर्ट है, हाँ वो रिसेप्टिव है बेसिकली, जी तो लेकिन इसको अगर इस तरीके से हम माने कि अगर वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है, आप किसी चीज को, जैसे मान लीजिए कोई आपकी इंसल्ट करता है, हाँ सर अगर उस इंसल्ट को आप के अंदर बहुत समझदारी है और आप समझते हैं कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ठीक तो है। वो चीज आसान हो जाएगी। अगर हाँ आप रिएक्ट करेंगे तो उसका असर आएगा आपके ऊपर। मेरा ये कहने का मतलब था कि ये इनर्ट नहीं है ये। समझाते सर, एनर्ट बिल्कुल नहीं है, समझिएगा। इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, ये इनर्ट नहीं है, ये क्या है, रिसेप्टिव मैनर में है। इनर्ट और रिसेप्टिव होने में अंतर है सर। इनर्ट का मतलब अब तुम गरिया, हम बोलेंगे नहीं, न्यूट्रल जाओ, मार दो लात, तत्सम कर दो। रिसेप्टिव मैनर का मतलब पहले देखे तो कि तुम क्या कर रहे हो, समझ रहे मेरी बात। ये रिसीव मैनर में होता है। इनर्ट का मतलब निष्क्रिय हो गया, रिसेप्टिव का मतलब करो तुम। वाइटल फोर्स अलाउ कर रहा है, और जान लीजिएगा हमेशा वाइटल, जैसा आपने बोला ना डायनेमिक है, तो वाइटल फोर्स का रिएक्शन अभी बाकी है सर। और वाइटल फोर्स का रिएक्शन जो होता है ना वो अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल होता है, 100% होगा। वो कैसे होता है, आपका दूसरा वाला रिएक्शन कि जो चुप हो गया, सह लिया, तो वाइटल फोर्स सहना चाहा, सेकेंडरी रिएक्शन सहना चाहा, तो चुप हो गया, समझ रहे हैं। अगर वो सहना नहीं चाहता सर तो चुप नहीं होता, क्योंकि यही तो सेकेंडरी रिएक्शन है ना उसका। आपने गाली दिया और आपने कहा छोड़ो यार, समझदार इंसान है, कहा इसके मुंह लगेंगे, हटाओ जाने दो, एक सेकेंडरी रिएक्शन ही तो है। बट पहले गाली सुना, माइंड एनालाइज किया, चीजों को सोचा समझा, फिर बॉडी ने रिएक्शन दिया, छोड़ो यार ये गधा है, इसकी बात पे क्या ध्यान देना। ऐसे तो बहुत लोग बोलेंगे मेरा फोकस कहीं और है, मुझे कहीं और आगे जाना है, निकल गया आगे वो। अगर वो लड़ लेता सर तो उसका रिएक्शन लड़ाई वाला हो जाता, ठीक सर, ठीक। क्लियर सर। तो रिसेप्टिव मैनर में होने का मतलब ये हुआ। आप लोगों को क्लियर है सर का सवाल, बिल्कुल सही था, क्लियर है बात, क्लियर हुई यहां तक। प्राइमरी एक्शन रिसेप्टिव मैनर में है, रिसीव करने की अवस्था में है, इनर्ट नहीं है, रिसीव कर रहा है वो। जब रिसीव करते हैं तो बहुत आसानी से करते हैं। तो अब दूसरा एक्शन देखिए क्या है। अब इसका प्राइमरी एक्शन इज व्हाट, कंडीशनल हो गया, प्राइमरी एक्शन कंडीशनल हो गया, क्योंकि ये वाला था हरा वाला, इसी के हिसाब से हरा वाला ने हरे वाले की तरह काम किया, रिसेप्टिव मैनर में हो गया। अब आइए सेकेंडरी एक्शन देखिए। सेकेंडरी एक्शन में अनिमेंस आप बोल रहे हैं कि टू इट्स एक्शन का मतलब जो वाइटल फोर्स पे एक्शन हुआ, इट्स का मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, प्राइमरी लिख लीजिए, किताब में इट्स ही लिखा होगा, वहां पर ब्रैकेट में प्राइमरी लिख लीजिए, जैसे आप लोग को समझ में आएगा, बाकी का पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इट्स प्राइमरी एक्शन आवर वाइटल फोर्स। अब देखिए यहां पे आया कहानी, हमारा वाइटल फोर्स क्या करेगा, एंडेवर टू अपोज इट्स ओन एनर्जी, अपनी ऊर्जा से उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, और वो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, वो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, वो वाइटल फोर्स के वेग पे डिपेंड करेगा। बट जनरली क्या होता है, सेकेंडरी एक्शन बात करिए हम, ठीक है, क्या हो रहा है, इट्स एक्शन अपॉन वाइटल फोर्स इंडिविड टू अपोज ओन पावर एंड दिस रेजिस्टेंस एक्शन इज अ प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात बोली है ये, क्या है, एक प्रॉपर्टी है ये, इसकी क्या है, एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, गुण है उसका, ये क्या गुण है, दिस रेजिस्टेंस पावर, वो जो रिएक्शन है वो एक गुण है,
ये क्वालिटी है, अनकंडीशनल है, सेकेंडरी एक्शन होगा क्योंकि प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, उसका लक्षण है, उसका इननेट कैरेक्टरिस्टिक है, जेनेटिक है उसका, वो रोक नहीं सकते आप। सेकेंडरी एक्शन होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। दिखा देखिए, ये मेडिसिनल सब्सटेंस की बात हो रही है, मेडिसिन की बात हो रही है, दवाई की बात हो रही है, ठीक है। देखिए क्या है कि दिस रेजिस्टेंस एक्शन इज अ प्रॉपर्टी, इज इंडीड, वास्तव में है क्या ये प्रॉपर्टी? कैसी प्रॉपर्टी है? दिस प्रॉपर्टी इज इंडीड अ ऑटोमैटिक एक्शन ऑफ लाइफ प्रिजर्विंग पावर। ये हमारे वाइटल फोर्स का क्या है? एक ऑटोमेटिक एक्शन है भाई, इसको हम कैसे रोक लेंगे? 100% होगा, विच गोज बाय द नेम ऑफ सेकेंडरी और काउंटर एक्शन, जिसका नाम क्या दिया गया? सेकेंडरी एक्शन और काउंटर एक्शन। ये प्रॉपर्टी है, ये नहीं रुकने वाली, ये होगी। प्राइमरी एक्शन टोटली हमारे हाथ में है सर, हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हम काला वाला देंगे तो काला वाला आएगा, हरा वाला लिखेंगे तो हरा वाला आएगा। दैट मीन्स हमको पता है इसका एक्शन, प्राइमरी एक्शन हमारे हाथ में है, ये कंडीशनल है। लेकिन सेकेंडरी एक्शन क्या है? एक प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है वाइटल फोर्स की। ये क्या है? एक ऑटोमेटिक एक्शन है। किसका? हमारे वाइटल फोर्स का, जिसको हम नाम दिए सेकेंडरी एक्शन और काउंटर एक्शन। अभी देखिएगा, अभी अभी इसके अपोजिट और उसके सिमिलर वाली बात बाद में करेंगे। इस एफर्ज में बताया प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो क्लियर है आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन? हर बंदे को ये दो एक्शन क्लियर है? जितने लोग हैं यहाँ, वेरी गुड पायल जी ने जी, बस बोले आरजे, बस कुछ बोल रहे थे। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, थैंक यू बॉस। तो अब प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि सेकेंडरी एक्शन तो होगा, तो हम प्राइमरी एक्शन में क्या दे रहे हैं डिपेंड करेगा। अगर सिमिलर दवाई दे रहे हैं तो इसका सेकेंडरी एक्शन सिमिलर होगा, अगर अपोजिट